जनाब फिल्म सिटी सेक्टर 21 पे आधारित एक खास लेटेस्ट अपडेशन हम सभी के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे का हॉट डेस्टिनी एरिया सेक्टर 21 फिल्म सिटी का क्या खास अपडेशन है, इस खास वीडियो में मैं आप सभी के लिए चार मात्र कंपनीज जो कि अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, जी हाँ फुलफिल करने के लिए फिल्म सिटी के लिए आगे बढ़ी है, और कौन सी वो चार कंपनीज हैं, जिसमें से एक खास कंपनी जिसने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट का भी काम किया है। तो सारा का सारा इस खास अपडेशन को मिस मत करिए, और सबसे पहले मैं आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं, और रात तक आपके पास मार्केट सिनेरियो का अपडेशन पहुंच जाएगा। तो जो पहली बार आए हैं वो जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, खास अपडेशन आपको इसी चैनल से मिलता रहा है और मिलता रहेगा। जनाब मैंने पहले भी आपको फिल्म सिटी पे वीडियोस दी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वह डिटेल अलग फिल्म सिटीज की मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अभी फिलहाल का अपडेशन आप सभी के लिए मैं शुरू करता हूं। आपको मैं बता दूं जो फिल्म सिटी है जनाब, फिल्म सिटी 2024 तक जरूर फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा, और टारगेट यही है कि 2024 तक इसको बना के तैयार कर दिया जाए, ताकि जो जेवर एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज का, जी हाँ काम चल रहा है, साथ साथ जो उसकी उड़ान वहां पे 2024 की डेडलाइन दी गई है, और साथ में फिल्म सिटी, दोनों का काम साथ में एक साथ शुरू हो जाए। आपको ये बता दें जो फिल्म सिटी है जनाब, लगभग तीन फेजेस में बनाई जाएगी, लेकिन आखिर का आखिरी फेज, फाइनल फेज जो कंप्लीट होगा, उसकी डेडलाइन 2029 है। अगर हम फेज वाइज बात करें तो जो पहला फेज है जो कि 2024 तक कंप्लीट होना है, उस फेज में जो एक्टिविटीज होंगी वो खासकर फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसका डेवलपमेंट का, वो डेवलप जो फिल्म प्रोडक्शन होगी उसका काम, उस एक्टिविटीज का काम फर्स्ट फेज में किया जाएगा, जिसके अंदर फिल्म स्टूडियोज, ओपन पार्क्स, एम्यूजमेंट पार्क्स, विलास बनाए जाएंगे। जो एम्यूजमेंट पार्क है लगभग 120 एकड़ में बनाया जाएगा जनाब, फिल्म स्टूडियो भी लगभग 20 एकड़ में, मतलब 120 एकड़ में एम्यूजमेंट पार्क और फिल्म स्टूडियो लगभग 20 एकड़ में बनाने का जो है चल रहा है। आपको ये बता दें अगर फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें, जो 80%, जी हां 80% जो प्रोडक्शन वर्क है वो फिल्म से रिलेटेड, उसकी शूटिंग का काम शुरू हो जाएगा, जो आप फर्स्ट फेज में आप देखेंगे। अगर हम सेकेंड फेज की बात करें, उसमें हॉस्पिटैलिटी, रिजॉर्ट और कमर्शियल एक्टिविटीज आपको आने वाले वक्त में बनती हुई, डेवलपमेंट के साथ दिखती हुई दिखाई देंगी। आपको ये बता दें जो थर्ड फेज है और फोर्थ फेज है, वो सारा का सारा रिटेल, दोबारा सुन लीजिए, रिटेल का जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड थर्ड और फोर्थ फेज में होगा, जो कि फाइनली 2029 आखिरी फेज तक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन सी है वो चार कंपनीज जो फिल्म सिटीज के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रही है। जनाब आपको हम ये बता दें, आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि ग्लोबल टेंडर यमुना अथॉरिटी की तरफ से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिल्म सिटी इशू हुआ था, जिसके लिए आपको ये बता दें मात्र चार कंपनीज, जिसमें से एक कंपनी, जी हाँ एक कंपनी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट का जिन्होंने काम किया है, वो भी उसमें से एक हिस्सेदारी कंपनी फिल्म सिटी को बनाने के लिए इच्छुक हुई है और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है। वो कौन सी चार कंपनीज हैं? तो पहले आप उनका नाम सुन लीजिए। सबसे पहली कंपनी जो है वो है ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी जो है वो है परमेश कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी की अगर हम बात करें जो L&T लार्सन एंड टर्बो, उन्होंने भी इसका डेवलपमेंट बनाने के लिए, जी हाँ फिल्म सिटी को बनाने के लिए अपना प्रस्ताव रखा है, यमुना अथॉरिटी को दिया है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अथॉरिटी ने जो इसकी लास्ट डेट है टेंडर की, वो एक्सटेंड कर दी है, वो 26 अप्रैल, जी हाँ रखी गई है 26 अप्रैल। तो आपको ये बता दें जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है उसके लिए ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड,
जिन्होंने फिल्म सिटी के लिए अपना प्रस्ताव रखा है उन्होंने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट का भी काम कर चुके हैं। यही एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को भी बनाने का काम किया हुआ है। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले जो इसका एरिया है, लगभग 1000 एकड़ में फिल्म सिटी का एरिया बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 17000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन की कॉस्ट रखी गई है। तो जनाब आपको ये बता दें, फेज बाय फेज जैसे जैसे प्रगति के राह पे ये एयरपोर्ट का काम और प्रगति की राह पे फिल्म सिटी का काम आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया, किसी भी सेगमेंट को आप बात कर लीजिए, जनाब इन एरिया पे आसमान की बुलंदियां और आसमान की बूंदे इन सब एरिया पे छाएंगी छाएंगी। और हम सभी जिन जिनों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप देखिएगा आपको आने वाला वक्त बहुत ही बेहतरीन उज्जवल भविष्य के साथ दिखता हुआ दिखाई देगा। रही बात आपकी मार्केट सिनेरियो की, आज रात में मैं आप सभी के लिए मार्केट का खास अपडेशन लेके आने वाला हूं, एक चौंकाने वाला रेट जो आप सभी को खुश करेगा, खासकर उनके लिए जो कि इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं। जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं उनके लिए आने वाला वक्त जरूर मौके के लिए, जरूर आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर भगवान ने सोचा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा बेहतरीन तरीके से अगर इंसान करता है और कम पैसे पे हमेशा करता है, खासकर तब जब फैसिलिटीज कम रेट पे आपको मिल जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि वहां का डेडलाइन, वहां की सारी चीजें तीन चार चीजों पे बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला मास्टर प्लान, वो किस तरीके का चल रहा है, क्या क्या चीजें उसमें लाई जा रही है। तो जनाबी सारी की सारी चीजें अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके की होती है, वो हमेशा आने वाले वक्त की हॉट डेस्टिनी होती है। जो एक आपके सामने उभरता हुआ एग्जांपल है, यमुना एक्सप्रेसवे की, यमुना अथॉरिटी का खास एरिया। आप सभी को आज खास अपडेशन में मार्केट सिनेरियो को दूंगा। उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो आप सभी को फिल्म सिटी सेक्टर 21 की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जरूर इस चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अपने चाहने वालों तक अगर पसंद आए तो जरूर शेयर करिए वीडियो। जिन लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं आप पहुंचा सकते हैं किसी भी माध्यम से। हमारी खास वीडियो, खास अपडेशन आप तक हमेशा पहुंचता आया है, पहुंचता रहा है और पहुंचता रहेगा। अभी फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलूंगा बहुत जल्द एक खास नई वीडियो के साथ। और जाते जाते बस ये एक खास और बात कहना चाहूंगा आप सभी के लिए, मेरी तरफ से बेस्ट गुड विशेस जो अभी रिसेंटली ड्रॉ होने वाला है, चाहे हम रेजिडेंशियल की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियल की बात करें, या फिर कियोस्क के कमर्शियल की बात करें, सारा अपडेशन मैं आपको दे चुका हूं। बहुत जल्द मिलते हैं, गुड बाय, धन्यवाद।